राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है होलाष्टक। होली से 8 दिन पूर्व का जो समय है होलाष्टक कहलाता है। होलाष्टक में क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में शास्त्रों में हमारा लिखा हुआ है कि होलाष्टक का जो समय रहता है वह शुभ कार्यों के लिए वर्जित कहा गया है। लेकिन क्यों वर्जित कहा गया, इसके विषय में हमें कथा मालूम नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं, आज कथा के विषय में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे कौन कौन से कार्य वर्जित हैं और कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो कथा आती है, भक्त प्रहलाद की कथा आती है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु जो उनके पिता थे भक्त प्रहलाद के, 8 दिन पूर्व से, होलिका दहन के 8 दिन पूर्व से अनेक प्रकार की यातनाएं उनको दिया करते थे। अग्नि में उनको कभी जलवाया गया, समुद्र से उनको गिराया गया, पर्वत पर ले जाकर वहां से फेंक दिया गया, जंजीरों में उनको बांधा गया, सर्पों से उनको डसवाया गया। तो इस प्रकार की अनेक जो यातनाएं थी वह भक्त प्रहलाद को 8 दिन में बहुत अधिक दी गई। इस कारण उस समय का जो समय था वह सकारात्मक ना होकर नकारात्मक प्रभाव देने वाला अधिक कहा गया है। आज भी हम प्रत्येक वर्ष होलिका जब मनाते हैं तो उसे 8 दिन पूर्व शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव माना जाता है। यानी 8 दिन पूर्व का जो समय है शुभ कार्यों के लिए वर्जित किया गया है। हम कोई तांत्रिक उपाय करते हैं तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय हम तांत्रिक उपाय कर सकते हैं, कोई भी हम अपने ऊपर की समस्याएं हैं होलिका में दहन कर सकते हैं, किस प्रकार से आगे चर्चा करेंगे। दूसरी कथा आती है कामदेव की। तो जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए उनके सम्मुख पहुँचते हैं। तो उन्होंने भी 8 दिन तक बड़ा ही विशेष प्रभाव किया भगवान शिव की तपस्या को खंडित करने के लिए, उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने 5 कामबाण भी चलाए जिनका प्रभाव भगवान शिव पर नहीं हुआ। अंततः भगवान शिव की तपस्या खंडित भी हुई। भगवान शिव ने 3रा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया है। 8 दिन का जो समय रहा है भगवान की तपस्या को खंडित करने का जो कामदेव ने प्रयास किया है, तो उस समय को भी शुभ नहीं माना जाता है। तो वह भी समय था होलाष्टक का ही, यही 8 दिन थे। तो ये 2 कथाएँ हैं, बड़ी प्रचलित हैं और इस होलिका पर्व से, होलाष्टक से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से जो कहा गया है कि होलाष्टक का पर्व, होलाष्टक का जो समय रहता है वह शुभ कार्यों के लिए वर्जित कहा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है होलाष्टक के मध्य शादी विवाह भूमि पूजन गृह प्रवेश कोई नया कार्य कोई नया व्यवसाय आरंभ नहीं करना चाहिए। तो इस समय कोई भी नया कार्य नया काम आरंभ नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, गृह प्रवेश विवाह है, या जो भी 16 संस्कार हैं उन संस्कारों को नहीं किया जाता है। कब? इस होलाष्टक का जो समय चलता है इसके मध्य, इसके बीच में। लेकिन हम कोई भी अगर अपने निमित्त कोई उपाय करना चाहते उस प्रकार की ऊर्जा जो तंत्र को जागृत कर दें, ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होली के समय सबसे अधिक कहा जाता है। होली के मध्य जो 8 दिन रहते हैं उनमें कोई भी विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाता है जिससे हमें सफलता सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन अपने निमित्त तंत्र शास्त्र में बहुत प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं होलिका पर्व पर करने के लिए। तो जिनसे आपको अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, उन सबको दूर किया जा सकता है। तो आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका पर्व पर किस प्रकार के उपाय करके आप अनेक समस्याओं को अपने दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, आपका ज्ञानवर्धन हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इसको शेयर भी आप करते रहें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री नारायण।